जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव की पूजा है। आज भी अनेक हिंदू प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाता है। वेदों और उपनिषदों में अनेक जगहों पर सूर्य की स्तुतियां हैं। सूर्य की पूजा भारत में हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध मतों में देखने को नहीं मिलती। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक एचटी कुलब्रुक अपने पुस्तक इसीस ऑन द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द हिंदूज में अनेक प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के वृत्तांतों से भारत में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा को दर्शाते हैं। ये लिखते हैं कि फिलोस्ट्रेटस अपने पुस्तक लाइफ ऑफ अपोलोनियस में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख करता है। इसी तरह प्लिनी, सिलोनोस, स्टेफानोस भी ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा किए जाने का उल्लेख करते हैं। आगे कुलब्रुक ने लिखा है कि यह सूर्य पूजा हिंदुओं के अलावा जैनों और बौद्धों में प्राप्त नहीं होती, अतः ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण ही थे। दोस्तों, यूट्यूब पर हिंदुओं के लिए जहर उगलने वाले बहुत सारे चैनल हैं और उनमें एक चैनल है जिसका नाम कुछ झंडू जर्नी करके है। हम तो अपने मुंह से उनका नाम भी लेना ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना जो जहर और इतना जो गंदगी है वो उगल चुके हैं वो, कि वो अब रिस्पेक्ट के काबिल नहीं बचे हैं। अगर कोई हेल्दी डिबेट करे, सही चीज़ को हमारे सामने लेके आए और ये बोले कि तुम्हारी किताबों में सच में ये है, तो हम उसे मान लेंगे। लेकिन जब एक प्रोपोगंडा के तहत काम किया जाता है और एक साजिश के तहत सही चीज़ को भी गलत बता दिया जाता है, तो फिर वो जो पाप है ना, वो अक्षम्य पाप है। धर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई झूठ बोलता है तो वो अधर्म है। और आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में रिलीजन को धर्म समझ लिया जाता है, जबकि रिलीजन का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। धर्म का मतलब सही चीज़ होती है, अधर्म का मतलब गलत चीज़ होती है। ऐसा ही ये एक वीडियो है। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ हमारे प्रिय सनातन समीक्षा चैनल से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने कितने फैक्ट जो हैं वो इकट्ठा करे हैं वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले इनका वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं अपने व्यू, अपने विचार ज़रूर बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में छुपी हुई है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बिना कुछ देर के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जबरदस्त इंट्रो है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुशवाहा बॉयज यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेकू जर्नी गधासीद के एक और झूठ के ऊपर, जिसमें फेकू जर्नी ने मेगास्थनीज का हवाला देकर यह बताने का प्रयास किया है कि मेगास्थनीज की इंडिका में बुट्टा शब्द आया है और वह असल में बुट्टा जो है वो गौतम बुद्ध ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। बुट्टा को जानने से पहले आप सबको यह जान लेना ज़रूरी है कि आखिर मेगास्थनीज कौन है। असल में मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो 305 ईस्वी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, परंतु इंडिका की मूल प्रति आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः इंडिका में वर्णित बातों को एक लेखक के रूप में आगे जेडब्ल्यू मैक्रिंडल ने नई इंडिका का रूप दिया। इस पुस्तक में इन सभी लेखकों को, जैसे डायोडोरस, सुलुकस, स्ट्राबो, प्लिनी तथा एरियन के लेखों का संग्रह किया गया है। फिर एक नई इंडिका को तैयार किया गया। इंडिका नाम की पुस्तक अब अप्राप्य है। चंद्रगुप्त कालीन भारत के बारे में हमें जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह दूसरी यूनानी पुस्तकों के माध्यम से मिलता है। इन पुस्तकों में मेगास्थनीज की इंडिका से संदर्भ लिया गया है। जब मेगास्थनीज की असल पुस्तक मौजूद नहीं है तो हम केवल संदर्भित पुस्तकों पर एक हद तक ही विश्वास कर सकते हैं। उसमें भी यह तथ्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेगास्थनीज के जस्ट बाद के या उसके सबसे करीब के ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने इंडिका से संदर्भ लेकर अपने लेख लिखे हैं। क्योंकि अगर इंडिका के विषय में यथार्थ जानना है तो निसंदेह उस राइटर की बात को ज्यादा विश्वसनीय माना जाएगा जो मेगास्थनीज के सबसे करीब का हो। और ठीक ऐसी ही दलील स्वयं फेकू जर्नी ने भी जब वेदों पर वीडियो बनाया था तो दिया था। पहले आप फेकू जर्नी की दलील को सुन लें। हाँ।
कोई कहता है कि मेरा भाष्य अच्छा है, कोई कहता है उसका भाष्य अच्छा है। वेद के मंत्र तो एक ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 70 से ज्यादा भाष्य उपलब्ध हैं। लेकिन जितना पुराना आप भाष्य पढ़ें उतना ही अच्छा, क्योंकि जब कोई रचना होती है और उसके करीब जो भाष्य होता है वह ज्यादा सच्चाई के करीब होती है और बाद में उसमें मिलावटें होती चली जाती हैं। तो यहाँ आपने जो सुना, अगर इस युक्ति से इंडिका पर प्रकाश डालें तो इंडिका के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। इसके लिए मैं कुछ लेखकों के नाम आपके सामने रखना चाहूँगा जो लेखक मेगास्थनीज के समय के थे या उससे पहले या जस्ट उसके कुछ वर्ष बाद के थे। मेगास्थनीज के इंडिका का उल्लेख करने वाले निम्न लेखक हैं जिनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि इन सभी लोगों में मात्र क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने ही बुट्टा शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसे फेकू जर्नी बुद्ध बता रहा है। जबकि बुट्टा को जस्टिफाई करने के लिए फेकू ने जिस पुस्तक का रेफरेंस लिया है वह है बाबू अवध बिहारी शरण की पुस्तक मेगास्थनीज का भारत विवरण। इस पुस्तक के पृष्ठ 71 से 72 पर क्लेमेंट का लेख दिया गया है, जिसमें क्लेमेंट ने श्रमणों को बुट्टा का अनुवाई माना है। मगर इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 69 पर एक जगह बाबू अवध बिहारी शरण ने कोट करते हुए लिखा है कि यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि किसी ग्रीक विद्वान ने बुट्टा के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तो अब आपको यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि स्वयं मेगास्थनीज या मेगास्थनीज के बाद के अधिकतर ग्रीक विद्वानों को बुट्टा की जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जो बाद के विद्वान हैं उनमें भी अधिकतर ने कहीं किसी बुट्टा फुट्टा का उल्लेख नहीं किया। बुट्टा का उल्लेख किया है क्लेमेंट्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने। क्लेमेंट पैदा हुआ 150 एडी में और मरा 215 एडी में। लगभग 200 एडी के आसपास इसने अपने लेख में बुट्टा का उल्लेख किया और यह वह दौर था जब बुद्ध की ब्रांडिंग देश और विदेश दोनों जगह राजशाही खर्चे पर होने लगी थी। अगर आप क्लेमेंट को पढ़ें तो यह एक नंबर का फेकू और टोपा आदमी था, क्योंकि इसने अपने लेख में इंडिका का संदर्भ देकर बुट्टा को तो जबरन इंडिका में घुसेड़ा ही, उसके अलावा इस फेकू ने जीसस को भी घुसेड़ दिया। जीसस के संदर्भ में अजीबोगरीब भविष्यवाणी भी करवा डाली, जबकि इससे पूर्व के किसी ग्रीक विद्वान ने किसी बुट्टा का उल्लेख इंडिका में होना नहीं लिखा है। क्लेमेंट ही एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जिसको इंडिका में बुट्टा और जीसस दोनों नजर आते हैं और यह दोनों पर गप मार देता है। लेकिन गप तो गप होती है, अगर वास्तव में बुट्टा का उल्लेख इंडिका में हुआ होता तो निसंदेह अन्य विद्वानों ने भी बुट्टा का उल्लेख जरूर किया होता। अतः जैसा कि फेकू जर्नी स्वयं कहता है कि जो सबसे प्राचीन संदर्भ या प्रमाण होते हैं उन्हें ही मानना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस हरामखोर ने स्वयं के लिए अपना यह लॉजिक क्यों नहीं प्रयोग किया। क्यों इस गधाजीत ने बुट्टा को इंडिका में साबित करने के लिए 150 एडी के बाद का रेफरेंस दिया, जबकि इससे पूर्व भी इंडिका को संदर्भित करके कई विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं मगर उनको बुट्टा फुट्टा कहीं नजर नहीं आया, तो इसने इस बात की चर्चा क्यों नहीं की अपनी वीडियो में। असल बात तो यह है कि बुट्टा मेगास्थनीज के समय भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अन्यथा जिस हिसाब से फेकू जर्नी बौद्ध धर्म के बारे में हवा फैलाता है कि बौद्ध धर्म का वजूद सिंधु सभ्यता से है, बौद्ध धर्म ही भारत का मूल धर्म है, गौतम बुद्ध से भी पहले 28 बुद्ध हो चुके हैं और पूरा भारत सिंधु सिविलाइजेशन से ही बुद्धिस्ट माइंडेड था, तो ऐसे में यह बात बहुत परेशान करती है कि इतने समृद्ध धर्म और इस समृद्ध धर्म के इतने इंपोर्टेंट आदमी का मेगास्थनीज ने कहीं कोई उल्लेख क्यों नहीं किया। अगर बुद्ध वास्तव में उस दौर में होते तो जितनी व्यापकता के साथ इंडिका में ब्राह्मण्स का उल्लेख किया गया है, लगभग हर लेखक ने ब्राह्मण्स के बारे में, उनकी संस्कृति मान्यता के बारे में लिखा है, वैसे ही बुद्ध के बारे में जरूर लिखते। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में 28 में से एक दो बुद्धों के नाम वो जरूर लिखते। मगर सत्य यही है कि 150 एडी के पहले किसी ने भी बुट्टा के रूप में बुद्ध का उल्लेख नहीं किया। क्लेमेंट के अलावा कहीं किसी अन्य लेखक को बुट्टा का कभी ख्याल नहीं आया। इंडिका में भारत को लेकर हर छोटी बड़ी बात को कवर किया गया है। इसमें से अगर उस दौर में भारत बुद्ध का भारत था तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेगास्थनीज मौन क्यों रहा? क्लेमेंट ने तो 150 एडी में इंडिका में बुट्टा को जोड़ा, उसी ने जीसस को भी जोड़ा, जो कि कतई विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जहां इंडिका को कोट करके अपने विचार देने वाले विद्वानों में अनेक विद्वान सम्मिलित हैं, वहीं क्लेमेंट एक इकलौता व्यक्ति है जिसको बुट्टा ने स्पेशली आकर यह बताया था कि मैं मेगास्थनीज के जमाने में एग्जिस्ट करता था, इसलिए भाई मेरा नाम डाल देना।
यह प्रमाण पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। लेकिन फेकू जर्नी तो फेकुओं का सरदार है, हरामखोरी का बेताज बादशाह है। इन्हें वेदों पर बात करनी होगी तो सबसे प्राचीन लेखकों को प्रमाण मानेंगे, और बुद्ध पर बात करनी होगी तो सबसे बाद के लेखक का प्रमाण देकर ठीर ज्ञान फैलाकर निकलते बनेंगे। ब्राह्मण्स ब्राह्मण ही थे, इस विषय में हमने अपनी पहली वीडियो में ही इंडिका के हवाले से अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ और प्रमाण जोड़ रहे हैं जिससे फेकू जर्नी के झूठ के एक एक गठरी को खोला जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव की पूजा है। आज भी अनेक हिंदू प्रातः काल सूर्य को जल चढ़ाता है। वेदों और उपनिषदों में अनेक जगहों पर सूर्य की स्तुतियां हैं। सूर्य की पूजा भारत में हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध मतों में देखने को नहीं मिलती। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक एचटी कोलब्रुक अपने पुस्तक इसीज ऑन द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द हिंदूज में अनेक प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के वृत्तांतों से भारत में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा को दर्शाते हैं। ये लिखते हैं कि फिलोस्ट्रेटस अपने पुस्तक लाइफ ऑफ अपोलोनियस में ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा का उल्लेख करता है। इसी तरह प्लिनी, सिलोनोस, स्टेफानोस भी ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा किए जाने का उल्लेख करते हैं। आगे कुलब्रुक ने लिखा है कि यह सूर्य पूजा हिंदुओं के अलावा जैनों और बौद्धों में प्राप्त नहीं होती, अतः ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण ही थे। इसके अलावा कुलब्रुक ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस और वैदिक हिंदू दर्शन के मध्य अनेकों समानताओं को भी उजागर करते हैं। जैसे पाइथागोरस ने तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश को माना है, उसी प्रकार हिंदुओं में भी तीन लोगों को माना जाता है। भू, स्वर्ग, अंतरिक्ष लोक की मान्यताएं हैं। जैसे पाइथागोरस ने भूलोक में मनुष्यों, नरक लोक, पाताल लोक में दैत्यों और स्वर्ग लोक में देवों का वास माना है, उसी प्रकार हिंदुओं में भी मनुष्य, देव, असुर के लोकों का उल्लेख किया गया है। जिस तरह से पाइथागोरस पुनर्जन्म को मानता है, उसी प्रकार से हिंदुओं में भी पुनर्जन्म की मान्यता। हिंदुओं के मन, आत्मा, सूक्ष्म शरीर की तरह ही पाइथागोरस ने भी आत्मा, मन, शरीर का अस्तित्व माना है। अतः इन सबका निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकरण में भारतीय हिंदू यूनानियों के गुरु रहे होंगे। यहाँ हमने देखा कि पाइथागोरस और हिंदुओं के दर्शन में अत्यंत समानताएं हैं। पाइथागोरस ने अपने दर्शन का बहुत सा भाग भारत के इन्हीं ब्राह्मणों से सीखा था, यह बात स्वयं अलेक्जेंड्रिया भी कहता है। अर्थात पाइथागोरस ब्राह्मण्स और गलातियों का श्रोता था। एप्लिनियस ने तो इतना तक कहा है कि पाइथागोरस ने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मणों से सीखा था। अतः पाइथागोरस ने ब्राह्मणों से अपने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग सीखा था। उसने उनसे शरीर विज्ञान, आत्मा की कार्यप्रणाली एवं कर्म फल के बारे में सीखा था। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि पाइथागोरस के दर्शन पर ब्राह्मणों की छाप थी, अर्थात उसने ब्राह्मण से बहुत कुछ सीखा था। हम पूर्व में तुलना द्वारा देख चुके हैं कि हिंदुओं और पाइथागोरस के दर्शन में बहुत सी अधिक समानताएं हैं, और अब हमने देखा है कि पाइथागोरस ने अपने दर्शन का महत्वपूर्ण भाग ब्राह्मण से सीखा था। अतः इस प्रकार की तुलना से ब्राह्मण कोई और नहीं अपितु हिंदू ब्राह्मण अथवा वैदिक दर्शन के अनुयायी ही सिद्ध होते हैं। ग्रीक एवं वैदिक दर्शन के अध्ययन द्वारा कुलब्रुक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण वास्तव में वैदिक दर्शन को मानने वाले ब्राह्मण ही थे, जो कि सूर्य पूजा एवं यज्ञ करने वाले थे। उनके सिद्धांतों को आज भी हिंदुओं से तुलना करने पर वे हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अतः वेदों के अनुगामी लोग सिकंदर के समय में भी भारत में थे। कुलब्रुक के कथन को भाषानुवाद करके रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी मेगास्थनीज का भारत वर्णन नामक पुस्तक में टिप्पणी दिया है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्राह्मण असल में ब्राह्मणी थे। अतः वैदिक धर्म सिकंदर के समय भी था। सिकंदर ही नहीं अपितु पाइथागोरस अर्थात आज से 500 BC के समय में भी वैदिक धर्म था, इसलिए ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि वैदिक ब्राह्मण ही थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि उस समय के भारतीय दर्शन की व्यापकता क्या थी। ब्राह्मण की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उनके दर्शन को पाइथागोरस जैसे दार्शनिक भी मानते थे। यह जो भी दर्शन है वह कहीं से भी श्रमणों के दर्शन से मेल नहीं खाते। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मणों के दर्शन थे, ठीक वही दर्शन आज वर्तमान में सनातन संस्कृति में देखने को मिलते हैं। वैदिक दर्शन में इन्हीं दर्शनों की पुनरावृत्ति आपको देखने और सुनने को हर जगह मिल जाएगी। अतः अब यहाँ शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि ब्राह्मण न बौद्ध थे और न जैन थे, बल्कि ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण थे जिनका दर्शन श्रमणों से समृद्ध और अधिक मान्य था। यहाँ देखें, बाबू अवध बिहारी शरण की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि भारत के दार्शनिकों में ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि ब्राह्मण के विचार अधिक युक्तिसंगत होते हैं। तो यहाँ आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ब्राह्मण और श्रमण में उस समय ब्राह्मण ही सबसे प्रमुख थे, जबकि फेकू जर्नी यह जता रहे थे अपनी वीडियो में कि श्रमण ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, ब्राह्मण तो ठरकी और अयास थे।
मगर सच क्या है ये आपके सामने है, जिसे आप अक्षरशः देख सकते हैं। तथागत फेकू जर्नी अपनी वीडियो में ब्राह्मण को इस तरह गाली दे रहे थे जैसे ब्राह्मणों को बौद्ध और जैन न सिद्ध कर पाने के कारण इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। यह तो वही बात है कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने उन्हें खट्टा बताकर उसमें एक ऐब निकाल दिया। वही हाल इस पिकुआ का है। जब यह और इसकी कपूर मंडली ब्राह्मण को बौद्ध जैन और श्रमण नहीं साबित कर पाई तो इनकी बुराई करने लगी। मतलब फटती है तो फटे मगर पोजीशन ना घटे। वारे फिकू जर्नी। कुल मिलाजुलाकर दोस्तों यह फिकुआ फर्जीवाड़ी की दुकान खोल के बैठा है, ले देकर दो चार सड़क छाप कुच्चे लोगों को इतिहासकार बताकर उन्हीं की किताबों से अंग अंग से सोच करता फिरता है। पूरी इंडिका ब्राह्मण के उल्लेखों से भरी पड़ी है। ले देकर इस फेकू ने बुट्टा को इंडिका में दिखाया भी, तो वह भी 150 एडी के बाद का प्रमाण देकर। इनकी फेकोलॉजी के अनुसार बुद्ध धर्म का वजूद सिंधु सभ्यता से है, मगर इनकी महानता इतनी है कि 150 एडी में क्लेमेंट ने भी फर्जी ही सही मगर एक लाइन और एक शब्द में ही बुट्टा को निपटा दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप बिच्छू हाथी घोड़ा भी इंडिका में इस बुट्टा शब्द से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनका उल्लेख बहुत से जगहों पर हुआ है। इतना ही नहीं, इनके बुट्टा से तो ज्यादा ब्राह्मण का उल्लेख मिल जाता है। तो अब आप ही सोच लें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की संस्कृति के लोगों का धर्म कौन सा था। चंद्रगुप्त के समय इंडिका एवं अन्य समकालीन प्रमाणों से राजा और प्रजा द्वारा यज्ञ किए जाने का उल्लेख मिलता है, आत्मा और ईश्वर का उल्लेख मिलता है, पंच तत्वों से जीव एवं सृष्टि निर्माण का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मणों द्वारा सूर्य उपासना के प्रमाण मिलते हैं, ब्राह्मण के दर्शनों को दार्शनिक पाइथागोरस का अनुसरण करते हुए देखा जाता है। इसके बावजूद फेकू जर्नी का गप है कि वह दौर बौद्धों का था और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं थे। कुल मिलाजुलाकर मुझे यह अस्पष्ट शब्दों में कहना पड़ रहा है कि फेकू जर्नी 24 घंटे नशा करता है। इस चर्चा को सत्य और तथ्य से कुछ भी लेना देना नहीं, झूठ और मक्कारी हरामखोरी और दोगलापन इसमें कूट कूट कर भरा है। यह और इसके चेले सबके सब झूठ और फेक न्यूज और सड़क छाप प्रमाणों का कारोबार करते हैं। जब बेनकाब होते हैं तो गाली गलौज करते हैं। इनके और इनके चेलों द्वारा बनाई गई वीडियोज में शाब्दिक मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, अतः हमने भी इनके लिए किसी भी शाब्दिक मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। भरी पूरी सभ्यता को झूठ बताना और जो लोग बाद में बने, जो लोग वहाँ से निकले, उनको बताना है कि यही सच है, यही सत्य है। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, है ना। तो आपने ये वीडियो देखा किस तरह से जो साइंस जर्नी झंडू जर्नी सारे गलती से निकल गया झंडू जर्नी की पोल जो है वो इस वीडियो में खोली गई है कि वो किस तरह से ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध धर्म तो नहीं कहता हूँ उसको मैं रिलीजन कहता हूँ, जो ये बुद्ध रिलीजन है ये ही था, ये सृष्टि से पहले से बुद्ध धर्म ही था, सब बुद्ध ही थे। तो भाई मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब सब बुद्ध ही थे तो बुद्ध में महिलाएं क्यों नहीं हैं, महिलाएं क्यों बुद्ध नहीं बन सकती, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। और बुद्ध धर्म का इतिहास क्यों नहीं मिलता है, ऐसा क्यों पाया जाता है कि फलाना बंदा बुद्ध बन गया था, ऐसा क्यों बोला जाता था कि अशोक जो है वो बुद्ध बन गया था। अगर बुद्ध ही थे सारे तो फिर बनने की क्या ज़रूरत थी, क्यों बोला गया सिद्धार्थ बुद्ध, गौतम बुद्ध जिसको बोला जाता है, और गौतम शब्द जो है वो ब्राह्मण से आता है, जो ब्राह्मण थे उनको गौतम बोला जाता है। आज भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम के आगे जो है वो गौतम लगता है। तो गौतम उस ज़माने में, आज तो खैर ब्राह्मण हम उन्हें नहीं कह सकते हैं, जन्म से नहीं होता है ये, कर्म से होता है, क्योंकि आज उनका कर्म वैसा नहीं है, लेकिन उनके सरनेम के आगे गौतम लगता है। तो ये माना जाता है कि उनके जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण होते थे, तो फिर सिद्धार्थ बुद्ध क्या ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण के बाद वो बुद्ध बने थे या बुद्ध से वो ब्राह्मण बने थे, ये बात कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, अपने आप को एंशियंट दिखाने के लिए ये घोलमोल करते हैं, और जहाँ पर चीज़ें इनके अनुसार मैच नहीं होती वहाँ पर ये उनको गालियाँ देते हैं। यही लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। जब तक मैंने इनके वीडियो नहीं देखे थे इन झंडू जर्नियों के, तब तक मेरे मन में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के लिए कोई भी द्वेष नहीं था। मैंने कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं करी थी कि मैं अपने एंड पे पढ़ूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि जो बुद्ध हैं
वो वैसे ही हैं जैसे सनातन धर्म से निकले हुए बाकी के रिलीजन्स हैं, जैसे सिखिज्म है, जैसे जैनिज्म है, वैसे ही ये भी निकले हुए हैं। लेकिन जब मैंने इनकी सच्चाई पढ़ी और उसमें सनातन समीक्षा चैनल ने मेरे को काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि वो क्या ना ऐसे मतलब समंदर की गहराइयों से सच्चाई को पकड़ के लेके आते हैं, और इस चीज़ के लिए मैं इस चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए इनको, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। झंडू जर्नी के आप देखोगे तो सब्सक्राइबर कितने बन गए हैं, लेकिन अगर बात करोगे सनातन समीक्षा चैनल की, उनके 1,00,000 सब्सक्राइबर भी नहीं कर सकते क्या हम लोग? उनके चैनल के सब्सक्राइबर बेस क्या बढ़ा नहीं सकते हो? मैं कितने वीडियो दिखा दूंगा, मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं सनातन समीक्षा के वीडियो दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मित्रों, आप उनके चैनल को फैलाने में हेल्प कर सकते हो, कैसे? शेयर करके, और मेरे चैनल को भी फैलाने में आप हेल्प कीजिए और उनके चैनल को भी कीजिए, क्योंकि हमें जो है ना सच्चाई, कहते हैं कि अंधेरा जितना मर्जी फैल जाए लेकिन जब सूरज का उदय होता है ना तो अंधेरे का पता भी नहीं चलता चुटकियों में कहाँ पर वो अंधेरा गायब हो जाता है। तो ये अज्ञान और अंधकार रूपी जो इन्होंने अंधेरा फैला रखा है, इसको हमें सही करना है। मैंने पिछले दिन वीडियो में हैरी को जो है एक्सपोज किया था, हैरी को उसके चैनल का वीडियो मैंने दिखाया था, और उसमें मैंने कैसे दिखाया कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को एक्सपोज किया कि वो किस तरह से गलत बताते हैं। सेम काम इस झंडू जर्नी का भी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है दोस्तों कि इस मूवमेंट में, इस सच्चाई की जंग में आपको ज़रूर साथ देना है और झूठ का पर्दाफाश करना है। जो लोग धर्म को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इस्लामी कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना, धर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इंसान बन जाओगे, नेचर को समझोगे, नेचर की चीज़ों को अगर आप इम्पोर्टेंस दोगे, तो फिर आप जो है आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने का जो है रास्ता आपका कारगर हो जाएगा। आज भी आप साइंस अगर पढ़ते हो, विज्ञान अगर पढ़ते हो, उसमें नेचर की चीज़ों के ऊपर ही रिसर्च किया जाता है। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में अगर आप देखोगे तो इन्हीं चीज़ों की स्तुति है, अग्नि की स्तुति है, जल की स्तुति है, सूर्य देव की स्तुति है, इंद्र का शब्द बहुत बार आया है, इंद्र होता है आपकी अंदर की ऊर्जा, उसको इंद्र बोला गया है। जो लोग शिव को नहीं समझते वो शिव जी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, जिनको पता ही नहीं शिव कौन है, बोलते अरे तुम तो लिंगम की पूजा करते हो, उन्हें यही नहीं पता लिंग का मतलब होता है चिन्ह, और चिन्ह है मतलब उस पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो है वो शिव का लिंग है, शिव का चिन्ह है, और हम उस चिन्ह की पूजा करते हैं। तुम लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इसलिए तुम लोगों को शायद वो वही दिखता है, तुमको शीशन दिखता है, हमें भगवान दिखते हैं पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में, क्योंकि तुम्हें वही शिक्षा दी गई है। तुम्हारा जो रिलीजन है बहुत ही संकीर्ण है, छोटा है, हमारा सनातन बहुत बड़ा है। हज़ारों गैलेक्सियां ख़त्म हो जाती हैं फिर भी सनातन संस्कृति की जो है वो विस्तारता भी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस ग्रंथ में आकाश के बारे में लिखा हुआ है, ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, नक्षत्रों के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पर कोई फालतू की बात नहीं लिखी हुई है। अगर कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर, बहुत मैंने पढ़े हैं, जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ मैं हैरान रह जाता हूँ कि आज से हज़ारों साल पहले क्या कोई ऐसा नॉलेजेबल था जो आत्मा की बात जानता है, जो इंद्रियों की बात जानता है। आप अगर एथिस्ट हैं, आप दूसरे रिलीजन से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर 5 इंद्रियाँ हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये शरीर कैसे रन करता है, कुंडलिनी शक्ति, योग, आयुर्वेदिक, धनुर्वेद। अभी तो मैं एक और चीज़ पढ़ी, मैं बहुत ही हैरान रह गया। साइंस की तो चीज़ें हैं ही हैं हमारे वेदों में, हमारे वेदों में कला है, कला की देवी सरस्वती है, जिसको गंधर्व वेद भी कहा जाता है, गंधर्व वेद में कलाएं हैं, धनुर्वेद में धनुर्विद्याएं हैं, और ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, उसमें जो पिस्तौल है उसको कुछ भुजुंडी बोलते थे, हाथ से चलाने वाले हथियार थे वो, हज़ारों साल पहले।
अचंभित हो जाता है मेरा मन, और इन लोगों का भी होता होगा, पर इन्हें ना शर्म आती होगी कि यार इनकी किताबों में इतनी अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। लेट्स डिफेम देम, चलो इनको बदनाम करते हैं, चलो इनको मतलब इनके गलत अनुवाद करके सनातनियों के को ही नीचा दिखा देंगे, उनको ही शर्म आएगी। और आगे हमारे बंदे ना, हमारे जो सनातनी भाई हैं ना, उन्होंने पढ़ी नहीं होती है, वो भी ऐसे हो जाते हैं, अरे अरे गलत लिखा है, अरे नहीं नहीं मेरे वेदों में गलत लिखा, मैं आज से बुद्ध बन जाऊँगा। अरे तुम ये देखो, वो बुद्ध बहुत लिमिटेड शब्द है, बहुत ही संकीर्ण सोच है। सनातन जो है वो एक पूरी संस्कृति है, यहाँ अहिंसा के लिए भी जगह है, और अगर कोई अहिंसा से ना माने तो हिंसा भी है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार ज़रूर होते हैं, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कहा गया है कि आप हथियार उठा सकते हो। किस चीज़ के लिए? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, नारी रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। और ये बात आज के टाइम में कितनी सटीक बैठती है दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। आज अगर किसी देश, चलो इंडिया को छोड़ दो, कोई भी देश है अपनी आर्म्ड फोर्सेस जरूर रखता है, किस लिए? देश रक्षा के लिए, महिलाओं के लिए। हर देश में अधिकारों के लिए कानून बने हुए हैं, हमारे देश में भी बने हुए हैं, महिला रक्षा के लिए। और जब आप खतरे में पड़ जाते हो, कहीं पे आपको लगता है कि मेरी जान का खतरा है, आप हथियार उठाते हो, वो गलत नहीं है। कानून भी इस चीज़ को बोलता है कि आत्मरक्षा के लिए अगर आपने कुछ किया है, हमारे संविधान में भी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सनातन संस्कृति की चीज़ें हैं दोस्तों। मनुस्मृति वो जो आरंभ में थी, ये मिश्रित मनुस्मृति जो लेकर आते हैं उसको आप बिल्कुल मत मानिए। कोई भी किताब के ऊपर मनुस्मृति लिखने से वो मनुस्मृति नहीं बन जाएगी, किसी भी किताब के ऊपर वेद लिख देने से वो वेद नहीं बन जाएगा। वेद का मतलब ही है सही ज्ञान, और वो किसी किताब से नहीं होता था। वेद जो थे वो श्रुति शास्त्र थे, वो चलते थे कि गुरु से शिष्य के को बताया जाता था बर्बली, इसलिए लिखा नहीं जाता था क्योंकि उन लोगों को पता था कि इसमें मिलावट हो सकती है, और जो जो लोग उसमें योग्य नहीं थे उनको वेद पढ़ने का अधिकार उन्होंने खंडित कर दिया। किन्होंने करा? जो ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके सामने वो चीज़ें आई, उन्होंने ये देखा कि यार हमने ये चीज़ें बताई और आज हमारे ही चीज़ों को ये जो है दूषित कर रहे हैं, तो फिर वो श्रुति शास्त्र के थ्रू इसीलिए बताना शुरू करा था। इसका पीछे का रीज़न जो जब मैं जाना तो मैं हैरान रह गया यार, उनके दिमाग जो थे कितने, मतलब आप वायरस कहाँ पर फैलोगे? अगर एक कंप्यूटर है, एक सिस्टम है, उसमें वायरस आ जाता है, आप वायरस फैला दोगे, लेकिन जो चीज़ अगर हूबहू याद करवाई जाए और फिर शिष्य से, गुरु से शिष्य को, और उससे बाद उसको गुरु बना के फिर उसके शिष्य को ऐसे कर दी जाए, तो उसमें फिर वायरस का और मिलावट का मतलब ही नहीं रह जाता, वो हो ही नहीं सकता। संस्कृत के जो मंत्र थे उसको वैसे ही बोलना पड़ता था और वो रटाया जाता था, जब वो रटी हुई चीज़ आप बोलोगे तो उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती थी। दोस्तों ये मेरा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वी पोलाइट, सही चीज़ लिखिए, सही डिबेट कीजिए, और सच को जो है फैलाने में हमारी हेल्प कीजिए, और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।